हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसपी टॉप जीओ जीओ1 पर। आज हम बनाएंगे राम मंदिर का मॉडल कुछ इस तरीके से, देख लो। हां, इस तरीके से ये भी मैं बनाया हूं, पर किया ऐसे ही बना कुछ छोटा सा ऐसे। ये बड़ा है, ये छोटा। तो बनाने कुछ कार्डबोर्ड चाहिए और काट लेना है इस तरीके से। और बनाने के लिए चाहिए कुछ कार्डबोर्ड का ऐसे मटेरियल, देखो। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। मैंने जोड़ दिया है, देखते हैं। देखिए, ये मैंने जोड़ दिया है टाइम के लिए, टाइम बचाने के लिए। देखो, फेविकॉल का यूज़ किया है मैंने, फेविकॉल। और इससे छोटा सा कटे कटे देख लीजिए, छोटा, इससे भी छोटा, फिर इससे छोटा, ये वाला, फिर ये वाला। ये हमको जोड़ना है, तो आप चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। और हमें मंजिल बनाने के लिए चाहिए इस चौकोर साइज का कार्डबोर्ड और इस गोल साइज का कार्डबोर्ड, देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल पेन करके राम लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी राम। कुछ ऐसे जोड़ देना है, फिर ऐसे कार्डबोर्ड चौकोर साइज का, इसे भी फेविकॉल से जोड़ दूंगा यहाँ पर, देखते हैं ना। फिर गोल साइज का कार्डबोर्ड यहाँ पर, ये हो गया है। अब दूसरे मंजिल यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर से वो वाला डिजाइन कर देना है हमको, फिर गोल लगाकर तीसरे मंजिल। बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है, देख लीजिए। बाकी का डिटेलिंग हाथ से ही करना पड़ेगा, ये भी हाथ से ही किया हूँ, पर यहाँ पर फिलहाल देना पड़ेगा, वो फिलहाल देना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो बाद में करते हैं। अब हम आ गए हैं राम मंदिर के इस मॉडल सूखने के बाद, फेस ओके। और हम पिलर बनाएंगे यहाँ पर, एकदम पिलर बनाएंगे। तो पिलर के लिए हमने यहाँ पर टूथपिक यूज़ किया है, देख लो, 25-30 में आ जाता है हमारा मार्केट पर। पिलर बनाने के लिए हमने इसको काट लिया है छोटे छोटे तरीके से, देख लीजिए। किसने दिखाई लगाएंगे इसमें पिलर, इसको देखते हैं ना कुछ इस तरीके से। इसको मस्त हो गया, इस तरीके से पूरा लगा लेंगे। इसलिए इतना तेज हो रहा है, वरना अगर गुलगन होता तो एकदम पर हो जाता है, अब तक हो ही जाता, देख लीजिए इतना करा हूँ मैंने। अभी तो रुको, कलाई मत, अभी बाकी है। तो देखिए, एक मंजिल कंप्लीट हो चुका है, एक मंजिल।
और दूसरे मंजिल में कुछ कुछ हुआ है थोड़ा बहुत। फाइनली पिलर का काम कंप्लीट, देख लीजिए पिलर का काम कंप्लीट हो गया है। अब गुंबज बनाएंगे तो फिर सूख जाने के बाद मिलते हैं। तो बाय। तो हेलो गाइस, अब हम करेंगे इस मॉडल को पूरा फिनिश। अब करेंगे इस मॉडल का गुंबज, बस हो जाएगा। तो गुंबज करने के लिए हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, कार्डबोर्ड ऐसे कुछ काट लेना है, फिर ऐसे थोड़ा छोटा छोटा सा। तो एक बार दिखा देते हैं। तो इसे जोड़ने के लिए चाहिए हमको फेविकॉल, फिर भी एक के ऊपर एक जोड़ देंगे। तो कुछ ऐसे हमारे गुंबज तैयार हो गया है, देख लो। ऐसे करके यहाँ पर रख देंगे, बहुत सारे दो चार पांच कर लेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। तो फाइनली कुछ ऐसे गुंबज बना लिया, पांच देखो। अब लगाएंगे गुंबज इस राम मंदिर के मॉडल में, देखते हैं। हम गुंबजों को हमारे राम मंदिर के मॉडल में लगाएंगे, तो देखते हैं ना। फेविकॉल और पेन पेंसिल बहुत अच्छे से लगाएंगे। एक नंबर लग गया, दो नंबर यहाँ पर। दो नंबर यहाँ पर लगा देते हैं और तीन नंबर यहाँ पर। लग गया। अब ये दोनों पास में इस तरीके से। गुंबज लग गया। अब यहाँ पर मेन गुंबज गोल वाला, ये बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। यहाँ पर फिर गोल करें, यहाँ पर फिर क्विक का यूज किया है सुपर ग्लू, तो यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। लग गया, पर ये सिंपल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको डेकोरेट करने के लिए कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से छुटा लिया है। छुटा लिया है पहले कॉर्नर, फिर यहाँ पर। गुंबज का डेकोरेट हो गया है। अब यहाँ पर एक गोल चिपका वाला कार्डबोर्ड चिपका देंगे फिर गोल से। Thank you.
बस हो गया। और कार्डबोर्ड है, इसमें डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए चाहिए हमको, तो डेकोरेट करने के लिए कार्डबोर्ड को फाड़ कर दिखा देते हैं। इस कार्डबोर्ड को प्रोसेस पे हम इसको लगा देंगे। तो फिर से फेविकोल का यूज और पेन करके वीडियो का थोड़ा कपड़ा है तो उसमें मत ध्यान देना। तो फाइनली हमारे राम मंदिर बन के रेडी हो गया, देख लो। एक चीज बाकी है, वो है भगवा कलर का झंडा। यहाँ पर अब हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हम अब आपको दिखा देते हैं फाइनल लुक।